वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है, तो एक बंदे ने मैसेज किया मुझे, उसने लिखा कि भैया एक लड़की के चक्कर में मैंने हाथ काट लिया, ठीक, तो मुझे मेडिकल में कोई दिक्कत होगी। देखो, जब ऐसी ऐसी गलतियां करते हो तो दिक्कत तो जिंदगी दे ही देगी, लेकिन जरूरत है अगर काटना ही है कुछ तो हम 1600 मीटर के ट्रैक पे बंदों को काटें, जिससे हमारी रेस निकले और जिंदगी बने। काटना है तो जिंदगी में बुराइयों को काटे और अच्छाइयों को आगे बढ़ाए। काटना है तो अपनी निगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी की तरफ जिंदगी को बढ़ाए, ठीक। काटना है तो उन सभी बुराइयों को काटना है जो हमें अच्छाइयों को पाने से रोकता है। तो जो भी ऐसी सोच रखते हो या जो कोई भी मोहब्बत के चक्कर में आके, लड़की के चक्कर में आके अपने नसों को काटते हो, जो ये नहीं सोचते कि जिंदगी ये तुम्हारी है, उन लोगों से बस इतना सा ही कहना चाहेंगे कि जिंदगी जियो बस उस माँ बाप के लिए जिसने तुम्हें ये जिंदगी दी है। किसी और के चक्कर में आके मोहम्मद कभी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे ये जिंदगी खराब हो। सबसे पहले उसे सोचना है जिसके बदौलत तुम आज यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो सब कुछ करेंगे जिंदगी में, लेकिन कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो बस एक ही काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। बस बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय।